विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कर्व्स में इलिप्स है। यूज ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स यूजफुल बाय देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड, लॉ ऑफ द नेचर रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ यूजफुल इन इंजीनियरिंग इन द अंडरस्टैंडिंग द लॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस आइटम डिजाइनिंग मैकेनिज्म एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस डैम एंड वाटर टैंक एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स कॉनिक्स साइक्लॉइडल कर्व्स इनवोल्यूट स्पायरल हेलिक्स साइन एंड कोसाइन। इन क्लासिफिकेशन जो छह हैं इनमें हम कॉनिक्स को लेकर के बात करेंगे क्योंकि इलिप्स कॉनिक्स के तहत ही आता है। डेफिनेट द लोकस ऑफ पॉइंट मूव इन ए प्लेन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझाते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो लाइन है एक्सिस ही बोलना चाहिए, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर ये जो पॉइंट है ये फोकस है और ये जो है कर्व जो बनेगा ये कॉनिक्स है और एक कॉनिक्स पर जो पॉइंट है कोई भी पॉइंट जो बोल रहा है पॉइंट मूव इन प्लेन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी पी एफ और पी एम का जो रेशियो होता है यही रेशियो हमको कॉनिक्स किस टाइप का है डिफाइन करता है। आइए एक्सिस जो है ये डायरेक्ट्रिक्स से टच होते हुए जो फोकस पॉइंट के थ्रू जाता है इसको एक्सिस बोलते हैं और ये जो कॉनिक्स और एक्सिस जहां पर भी टच होते हैं जहां मीट करते हैं इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखिए रेशियो जिस रेशियो की बात कर रहा था मैं कि कॉनिक्स में एलिप्स है पैराबोला हाइपरबोला है यह जो डिफाइन करता है यह रेशियो करता है या सेंट्रिसिटी करता है तो होता क्या है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये देखिए पॉइंट पी एफ पी एम तो ये जो रेशियो है पी एफ बटा पी एम आर क्यू एफ बटा क्यू एन आर वी एफ बटा वी एन ये जो रेशियो या ये रेशियो या ये रेशियो जो है इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं और इसी इसेंट्रिसिटी से ही डिफाइन होता है कि यह इलिप्स है पैराबोला हाइपरबोला है क्या है कॉनिक्स में कौन सा कर्व है। इलिप्स इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फोकस से है फोकस एंड ए फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज ए कॉन्स्टेंट एंड लेस देन वन। अगर इसेंट्रिसिटी जो है एक से कम होगी यानी पी एफ पी एम का रेशियो या एफ क्यू क्यू एन का रेशियो या एफ वी एफ सी वी का रेशियो ये जो अगर एक से कम हुआ यानी यह जो कर्व है ये इलिप्स है। इलिप्स का जो यूज होता है शेप ऑफ ए मैन होल शेप ऑफ ए टैंक इन ए टैंकर फ्लैंज ऑफ पाइप ग्लैंड्स एंड स्टिफिंग बॉक्स शेप यूज्ड इन ब्रिजेस एंड आर्चेस मोन्यूमेंट्स पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन शेप ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा। इन सबको ड्रॉ करने के लिए इन सबका ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए इलिप्स का यूज होता है। मैथड फॉर ड्राइंग इलिप्स
क्लास 11th इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तीन मेथड से ही इलिप्स को ड्रॉ करने का बताया गया है, अतः मैं आपको वही तीन मेथड बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं इलिप्स को ड्रॉ करने के, परंतु कोर्स के हिसाब से यह तीन मेथड है, अतः इसी तीन मेथड बताऊंगा। पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, दूसरा इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन मेथड। इन तीनों मेथड को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहला, ड्रा इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। टेक मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 70 mm लॉन्ग। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड क्या होता है, आइए पहले हम क्या करते हैं, मेजर एक्सिस 100 mm ले लेते हैं, फिर इसके सेंटर से इसका हाफ पार्ट पर या बाइसेक्ट करने के लिए जो है 70 mm लॉन्ग का माइनर एक्सिस ले लेते हैं, फिर जो 70 mm माइनर एक्सिस का दिया हुआ उसका हाफ करेंगे 35 रेडियस से ए सर्कल बना लेंगे, फिर 50 mm के रेडियस से दूसरा सर्कल बना लेंगे। अब इस दोनों सर्कल को 12 भाग में हम बांट देंगे, ये 12 भाग मान के इसके नेमिंग 12 भाग कर लिए। इसके बाद अब हमको क्या करना है, ये देखिए पॉइंट वन से वर्टिकली डाउनवर्ड 2 से 4 से 5 से लिया, वैसे ही 10 से वर्टिकली अपवर्ड, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली 0.1, 2, 4, 5 से ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10। ये जो इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन से मिले ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोकेट कर देंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे, ये देखिए ये जो कर्व्स को आपस में मिलाएंगे इस तरह से ये इलिप्स बन गए। आइए दूसरा इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड पर बात करते हैं। मेजर एक्सिस ए बी एंड माइनर एक्सिस सी डी आर 100 mm एंड 70 mm लॉन्ग, ड्रॉ द इलिप्स बाय आर्क्स ऑफ द सर्कल मेथड। अब देखिए ये पहले मेजर एक्सिस हमने 100 mm ले लिया और ये माइनर एक्सिस 70 mm ले लिया, पॉइंट ओ इनका सेंटर डिसाइड कर दिया। अब जो है इसका हाफ, ए बी का हाफ पॉइंट सी से लेकर के ये मार्क कर दिया और ये मार्क, यानी ए बी का हाफ, या ए ओ भी बोल सकते हैं या बी ओ भी बोल सकते हैं, या ए बी का हाफ बोल सकते हैं, यहां से कट मारा, ये फोकस वन और फोकस टू हो गया। अब क्या करना है कि इसको एफ वन ओ को 5 भाग में बांटना है, उसके बाद ये एफ वन से एक वर्टिकल लाइन लेना है और सेम जो बी से एफ वन का लेंथ लेके, बी से एफ वन का लेंथ लेके एफ टू से कट करना है। फिर सुनिए कि B से F1 का जो लेंथ है इतना लेंथ लेकर के F2 पर रख के आर्क कट करना है, तो ये पॉइंट मिलेगा। वैसे ही A से A1 का डिस्टेंस लेके ये कट करना है और B से A1 का A का मतलब 1 का डिस्टेंस लेकर के F2 से कट करना है। फिर देखिए A से 2 का डिस्टेंस लेकर एफ वन से कट करना है, फिर बी से टू का डिस्टेंस लेकर के एफ टू से कट करना है, फिर थ्री का, ए से थ्री का डिस्टेंस लेकर थ्री पर कट करना है, फिर बी से थ्री का डिस्टेंस लेकर एफ टू से कट करना है, फिर ए से फोर का लेंथ लेकर के एफ वन से कट करना है। और इस तरह से कट करने के बाद सभी जो पॉइंट्स मिलेंगे सेम इधर भी ऐसी ड्रॉ करते जाना है, ये देखिए इधर भी ऐसी ड्रॉ करते जाना है, और ये इस तरह से नीचे भी जैसा ये बनाया हमने वैसे यहां भी बनाना है, जैसा ये बनाया वैसे यहां भी बनाना है, वही ए से वन तक का, फिर ए से टू तक का, फिर ए से थ्री तक का, फिर ए से फोर तक का डिस्टेंस एफ वन से कट करते चले जाना है, वैसे बी से F1 तक का
कट करना है, फिर बी वन का कट कर, इसी तरह से पूरे के पूरे कर्व बनाते जाना है, पॉइंट्स लोकेट करना है, और इन कर्व्स को आपस में मिलाने से ये इलिप्स ड्रा हो गया। आइए ड्रा इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड। टेक मेजर एक्सिस 100 mm और माइनर एक्सिस 70 mm। इंटरसेक्टिंग लाइन मेथड, आइए पहले मेजर एक्सिस 100 mm ले लेते हैं और माइनर एक्सिस 70 mm ले लेते हैं। अब ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिल गया है, इसको हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए कर दिया हमने। अब क्या करना है, इस तरफ तीन पॉइंट में इन चार हिस्से में बांट देना है, वैसे ही यहां पर भी इसको चार हिस्से में बांट देना है। अब क्या करना है, डी से वन को, डी से टू को, डी से थ्री को मिलाना है, सेम सी को वन से, सी को टू से, सी को थ्री से मिलाना है, और इसको एक्सटेंड करना है, जिससे ये देखिए ये यहां कटिंग हुआ, ये पॉइंट यहां ये आया, तो ये देखिए तीन ये पॉइंट्स मिल गए, ये कर्व बन गया है। उसी तरह से जैसे यहां पर हमने चार भाग किया, वैसे यहां भी चार भाग करिए और यहां भी चार भाग करिए। अभी यहां से डी से वन को, टू को, थ्री को मिलाइए, और सी से वन टू थ्री को एक्सटेंड करते जाइए, जो मीटिंग पॉइंट आएंगे उनको मार्क कर दीजिए, और इस तरह कर सेम ऐसे नीचे भी आपको ड्रा करना है। इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन मेथड से ये इलिप्स बन गया। ओके, थैंक यू।